चलिए चलते हैं। लेकिन राजकुमारी जी, तुम्हें छोड़ने के लिए मन नहीं कर रहा। चलिए हम फिर जी करता है तो मैं तुम्हें देखता रहूं। हाय हाय, ऐसा ना करिए वरना हम जा भी नहीं पाएंगे। चलो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, घर में डांट पड़ेगी तो सोच लेना शारदा जी कि हम तुम चोरी से शारदा कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ को जो। अरे हम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ। हेलो म्यूजिक स्टाफ, लीजिए आगे हमारे आदरणीय श्रीमान विनोद यादव ग्राम प्रधान मौजूदा हालत डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की ओर से। ये भाई साहब दोनों कलाकारों के लिए 101 रुपया कलम मन हाथों हाथ पार्टी को से लख लख धन्यवाद। अरे अरे बंधन है प्यारी का, जा रहे चलती हूँ मैं। फिर कब आओगे? फिर कब आओगे? फिर जब तुम बुलाओगे। एक फोन मिला हम चले आएंगे। मैसेज करो नंबर। ऐसा करो तुम अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर? वीडियो कॉल करेंगे हम। पक्का? पक्का। लिखिए 9140-87-76-73। अरे ये तो नंबर मेरे पास पहले से है। तो बस इसी पे हो जाएगा। क्लिक करिए तुरंत पहुंच जाए। चलते चलते कहना हो इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यारी हो जाएगा। ला 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 ला। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यारी हो हेलो। ये देखिएगा इधर महाराज अजीत सिंह का राज दरबार लगता है, जिनकी बेटी शारदा है अपने सेनापति सिपाहियों से क्या बातचीत करते हैं देखिएगा इस सीन में। सेनापति जी महाराज, देखिए शारदा के ब्याह की तैयारियां कराओ, क्योंकि आज के 8वें दिन महाराज दिलीप सिंह अपनी सेना सहित शारदा का विवाह रचाने के लिए आएंगे। यदि उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी होगी तो अपनी इज्जत में बट्टा लग जाएगा और माथे पे कलंक का टीका चढ़ जाएगा। राजन, इंतजाम सब ठीक ही है, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। महाराज दिलीप सिंह विजयगढ़ की राज दरबार से भली भांति संतुष्ट होकर जाएंगे, ये मेरा वादा है। सभी सेवाएं सुवर्सर हों, नहीं अपमान होने का, और देखेंगे यहाँ आकर तरीका काम करने का। राह में हर जगह उनको मिले आराम दादर पर, गड़ी होंगी कनाते और तंबू हर कुएं ऊपर।
महाराज आप बेफिक्र रहिए, मेरे होते हुए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अच्छी बात है सेनापति। महाराज सब कुछ तो ठीक है परंतु परंतु बोलो बोलो पुरोहित जी, रुक क्यों गए? डरता हूँ राजन। पुरोहित जी देखो, लीडर होकर कहो, डरने की कोई बात नहीं, शंका समाधान कर लेना, कोई आघात नहीं। महाराज राजकुमारी के ब्याह में तो सब कुछ ठीक है किंतु माँ सौतेली है। माँ सौतेली है तो इससे क्या हुआ पुरोहित जी? मैं अपनी राजकुमारी शारदा का विवाह राजकुमार अशोक से करना चाहता हूँ, ना कि उसकी माँ के साथ। महाराज पुरोहित जी सही कह रहे हैं, मुझे भी कुछ गुप्त तरीकों से ज्ञात हुआ है कि राज दरबार में राजकुमारी की माँ अपने पुत्र प्रताप को राज गद्दी दिलाना चाहती है, उसकी दृष्टि सदैव अपने राजकुमार प्रताप पर ही रहती है। सेनापति चुप रहो, क्या बक रहे हो? क्योंकि क्योंकि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, और दिलीप सिंह इतने बुद्ध ही नहीं जो अशोक के बदले प्रताप को राज गद्दी दे, पूर्वजों के बनाए हुए नियमों को भंग कर दे। अरे कैसे जाएंगे भला, कैसे जाएंगे भला? राजा नियम विरुद्ध इसी तत्व पर हो गया कुरुक्षेत्र का युद्ध। महाराज बोलो, कुरुक्षेत्र में पांडवों की क्या क्या उपत्तियां आपत्तियों का सामना करना पड़ा, इसका भी कुछ ध्यान है आपको? सेनापति देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, सच्चाइयों के पथ पर चलने वालों को विपत्तियों का ही सामना करना पड़ता है, और उसे कांटों से प्रेम करना पड़ता है। महाराज फिर भी स्त्री जात की बुद्धि का क्या भरोसा? महाराज अपने इतिहास को उठाकर देख लीजिए, पूरन भक्त सच्चा होने पर भी दुखों के चक्की में पीसा गया, आपत्तियों और आपत्तियों के कठोर हाथों से सताया गया। नारियां मक्कार होती हैं सदा ही जन्म से, नारियां मक्कार होती हैं सदा ही जन्म से, आंसू बहाना भोलापन दिखाना जन्म से, उनकी करुणा पर दया पुरुषों की यहाँ आ जाती है, भाग की सुंदर गली फिर से पलट जाती है यहाँ। सेनापति किंतु तुमने भक्त पूरन मल के चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, उनके अंतिम फैसले पर ध्यान नहीं दिया। देखो सत्यता छिप सकती नहीं, कभी भारी पहाड़ों से नहीं कोई छिपा सकता उसे पापों की आड़ों से। निशा में चंद्रमा जैसे हार देता है रजनी उर, सत्यता की अमिट रेखा चमकती सदा ऊपर। महाराज फिर भी पूर्ण भक्त को कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़ा, इनका विधान महाराज जरा सोचिए, फिर बताइए। सेनापति देखो अंतिम विजय ही विजय कहलाती है, और
जिसने दुख सहकर किया, जिसने दुख सहकर किया, परोपकार का काम उसी भक्त का हो रहा अब भी घर घर नाम। महाराज बोलो पुरोहित जी, मेरी समझ से वहां ब्याह रचाना ठीक नहीं होगा। सामने देख कर कीचड़ क्यों बदल दे क्यों ना पाथ अपना, जो आप बातें आंख की देखी उन्हें भी मानते हो सपना। पुरोहित जी देखो, मुझे तुम्हारी सलाह बिल्कुल ना पसंद है। क्यों महाराज, जैसे आपकी मर्जी। मैं छत्री हूँ, मैं छत्री हूँ, छत्री जिसे एक बार वचन दे देते हैं उसे मृत्यु पर्यंत तक निभाते हैं, क्योंकि दिए हुए वचन के विरुद्ध जाना एक छत्री के लिए महान लज्जा की बात है। राजन इसमें आपने वचन ही किसको दिया है? सेनापति तुम्हारी समझ में पत्थर पड़े हुए, क्योंकि एक बार टीका चढ़ाकर वापस ले लेना वचन विरुद्ध नहीं तो और क्या हो सकता है। महाराज आप राजा हैं, जैसी आपकी इच्छा आप करिए। धर्म के अनुसार हम लोगों ने अपनी अपनी सलाहें दे दी हैं, आपको जो उचित लगे आप वही करिए। किंतु इतना जरूर कहूंगा कि राजकुमारी वहां जाकर दुख के सिवा सुख के सुख नहीं भोग पाएगी। अनल में बैठकर ऐसा करे ठंडक मिलेगी, अब कहां अब आम मिल सकता बबुल के वृक्ष बोए जब, कहां अब आम मिल सकता बबुल के वृक्ष बोए जब, समझकर आग में कूदे कहे कर्मों का फल ऐसा, भला फिर ज्ञान और अज्ञान में अंतर रहा कैसा। सेनापति ईश्वर की इच्छा के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान का लिखा हुआ मिटाने से नहीं मिटता। और तुमने सुना अवश्य है, तुमने सुना अवश्य है, हरिश्चंद्र का नाम छत्री होकर भी किया नीच जाति का काम। राजन वह तो उनकी परीक्षा थी, यदि वह ऐसा ना करते तो आज उनका नाम अमर नहीं होता। कुछ भी हो मेरी समझ में राजकुमार जैसा वर मिलना असंभव है। तो यह मान लीजिए कि या तो यह मान लीजिए कि महाराज अपने माँ के साथ बेटा राजकुमार सुख भी नहीं भोग सकता है। सेनापति यदि ऐसा है तो मैं विवाह के पश्चात राजकुमार अशोक को अपने घर पे रखूंगा, क्योंकि मेरे ना रहने के बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी भी कोई नहीं है। हाँ राजन, ईश्वर करेगा तो सब शुभ ही शुभ होगा और वर वधु का मंगलमय होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। पुरोहित जी देखो, इसीलिए
मैंने शारदा को गृह शिक्षा न दिलाकर धनुष बाण चलाना सिखाया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे न रहने के बाद वो ये राजगद्दी संभाल सके और अब तो राज का उत्तराधिकारी भी मिल गया है। मुझे ये संबंध बिल्कुल पसंद है प्रोहित जी, बिल्कुल पसंद है। मेरी समझ से तो महाराज एक बार राजकुमारी से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि शादी उसकी करना है, उससे पूछ लेना उचित होगा। तुम्हारा भी कहना ठीक है सेनापति। सिपाही जाओ राजमहलों से राजकुमारी शारदा को राज दरबार में हाजिर करो। और सेनापति जी महाराज जाओ जाओ अपना प्रबंध ठीक करो। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूं। पुरोहित जी देखिए, आप भी हमारी राजकुमारी का विवाह अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर कहीं हमारी राजकुमारी शारदा के विवाह में कोई नक्षत्र का दोष तो नहीं लग रहा है? जैसी आपकी आज्ञा राजन। अच्छी बात है, और देख करके इसका उत्तर अगर ना हो सके तो मुझे कल प्रातः जरूर दीजिएगा। ठीक है राजन, मैं घर पे जा करके अच्छे से विचार करके मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, आशीर्वाद है। क्या बताएं दोस्तों, मनुष्य जो जो विद्वान होता जाता है जो तो वो छीड़ होता जाता है। निम्न श्रेणी के लोगों की बुद्धि एकदम ओछी होती है और उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक गुलाम राजा बनने की चेष्टा करता है लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि एक राजा समस्त गुलाम प्रजा का गुलाम होता है, क्योंकि उसे प्रजा की खुशी ना खुशी सब देखनी पड़ती है और उसकी रक्षा का भार अपने सिर पर रखना पड़ता है। प्रजा की दुख भरी आहे समझता और सुनता है, सुने मंदिर में अपने सत्य का बाजार बनता है। ठीक है, प्रजा के सुख और दुख में जो उनके साथ रहता है, प्रजा के प्रेम को अपने हृदय का प्रेम जानता है। अभी तक राजकुमारी शारदा नहीं आई, न जाने किस कारण से इतनी देर लगी हुई है, क्योंकि मैं उसका इंतजार करना चाहता हूं, उसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। खुश रहो बेटी, आशीर्वाद है। पिताजी आपने मुझे क्यों बुलाया ऐसे सर दरबार में? देखे राजकुमारी, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं। बोलिए पिताजी। कि मैंने तुम्हारा विवाह रियासत अनूपगढ़ के महाराज दिलीप सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अशोक के साथ तय कर दिया है पिताजी, और
उसके विषय में तुम्हारी क्या राय है, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। पिताजी, मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ, आप मेरे बारे में जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए जैसी आपकी रिया है। वाह बेटी, तुम्हारी इच्छा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक पिता को यह जानकारी अवश्य करनी चाहिए कि जिस घर से अपनी बेटी के लिए संबंध रखता हो, उस घर में आखिर बेटी को अपना जीवन व्यतीत करना होता है। वो वहां खुशहाल रहेगी या न रहेगी, लेकिन बेटी मैं तुमसे एक जरूरी काम के लिए बुलाया था, वो काम तो भूल ही गया, वो बताना भूल गया कि तुम्हारा विवाह जहां मैं कर रहा हूं राजकुमार अशोक के साथ, क्योंकि राजकुमार की माँ सौतेली है। मुझे इससे क्या मतलब है? ठीक कहती हो बेटी, क्योंकि मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार अशोक से करना चाहता हूँ और तुम्हें अपना सारा जीवन अशोक के साथ गुजारना है। मैं सौतेली है तो क्या, लेकिन आपको सारा पूरा राजमहलों में उसकी माँ के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना है, इसमें आपकी राय क्या है? पिताजी, इसमें मेरी राय यही है कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, जाओ शारदा, मैं तुम्हारी राय से आके प्रसन्न हूँ, जाओ जाओ, तुम अपने राजमहलों में आराम करो और मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध करने जा रहा हूं। चलते हैं, क्योंकि आज के आठवें दिन महाराज दिलीप सिंह अपने बेटे अशोक के साथ हमारी रियासत में हमारे घर राज दरबार में बारात लेकर आएंगे और उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी होगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए कुछ प्रबंध भी करना है। चलते हैं और प्रबंध करते हैं। नजर मुक्त जालिम, नजर मुक्त जालिम मैं अपनी डाल लेता हूँ, हुकूमत की दम वहां की छीन लेता हूँ। करेगा मुझसे जो कड़बाजी, करेगा मुझसे जो कड़बाजी, ना तुझको जिंदा छोड़ूंगा, घमंडी सारे जितने सारे कर छोड़ूंगा। सोहराय मेरे नाम का, सारे जहान में दुश्मन के छक्के छूटे कालिया के नाम। Thank you.
वापस अड्डे पर नहीं आए। कहीं सरदार जी अपने दौड़ पे गए होंगे, वो आते ही होंगे। हम लोग उनका इंतजार करते हैं। चलो हम उसके बिना, मैं अपने सरदार के बिना कहीं जा नहीं सकता हूं। बिल्कुल नहीं। आज जब तक सरदार जी नहीं आते हैं, उनके सिवा हम सारे लोग कहीं नहीं जाएंगे। बेला आजाद के बेला आजाद के तुम कहीं जा नहीं सकते, कहीं से लूट कर दौलत ला नहीं सकते। सुअर के पिल्लों, सारे संसार घाट के पुतों, हमारे बिना कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। इसकी सजा मिले जरूर मिलेगी। सजा मिलेगी हराम जादो, जब तक हम नहीं आते तो हमारे बिना तुम कहीं जा नहीं सकते।